तो मेरे हिसाब से वह होंडा डियो मत लेना। ये कहाँ चल रहे हैं आंटी? वहाँ इतनी भीड़ थी, हम वहाँ पे से बस पार्किंग के 20 रुपये कटाए और अंदर ही नहीं गए। फिर पहले की तरह चाबी नहीं ऑफ करनी, हो गई गाड़ी बंद। ओके गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। अभी टाइम हो रहा है दिन के 1, और अभी मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और मुझे एक व्लॉग शूट करना था, तो वहाँ से मैं आ रहा हूँ। वो व्लॉग शूट हो चुका है, तो मैंने सोचा घर जाते जाते एक और व्लॉग यहाँ पे क्यों ना शूट किया जाए। बट अभी अभी ने दिन में इतनी तेज़ गर्मी लग रही है ना, मेरा इतना मोटा विंडशीटर पहना है, बट जब गाड़ी चलाते थे तब उतनी गर्मी नहीं लग रही, बट जैसे कहीं पर मैं रुक जाऊँगा ना तो तब वहाँ पर बहुत ही तेज़ गर्मी लग जाएगी। और आजकल मुझे लग रहा है ना वैसे पतझड़ का मौसम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पतझड़ हो रहा है, मतलब पत्ते बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। अभी तो यहाँ पे साफ हो रहा है, तो ये वाली जो रोड रहती है ना जिसमें अगल बगल पेड़ दिखते, अगल बगल के यहाँ देखो पूरी रोड के ऊपर भी पेड़ दिख रही है, देखो इतना प्यारा लगता है। देखो हाय थार, हाय क्या गाड़ी है, इसको देख के ऐसा आई, इतने बड़े स्पीड ब्रेकर। ये आर्मी कैंट एरिया है ना, तो यहाँ इन्होंने स्पीड ब्रेकर इतने बड़े बड़े बना दिए। यहाँ देखो मैं फिर से दिखाता हूँ, ये देखो इतने बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर। अरे भाई ये देखो, अरे भाई साहब ये देखो अब इतनी भीड़ लगने लगी। जैसे जैसे गर्मी आएगी ना तो गुच्छू पानी में इतनी भीड़ लग जाती है, इतने सारे लोग आ जाते हैं गुच्छू पानी में। एक दिन तो हम पहले गुच्छू पानी गए थे भाई, वहाँ इतनी भीड़ थी, हम वहाँ पे से बस पार्किंग के 20 रुपये कटाए और अंदर ही नहीं गए, और वहाँ से 20 रुपये की कुल्फी खा के आ गए थे बस। अभी देखो दिन के खाने का टाइम हो गया और इतनी तेज़ भूख लग रही है ना मुझे, क्या बताऊँ भाई, पर क्या करे खा नहीं सकता। अगर देखूँगा मेरा मन करेगा तो कहीं बाहर खा लूँगा, और अगर कहीं मुझे आज गोला वाला दिख गया ना तो पक्का मैं गोला खाऊँगा यार। ओ भाई अभी एमटी गई वहाँ से, बहुत प्यारी लग रही थी यार, उस भाई ने बहुत मॉडिफाई करा रखी है। वैसे मैंने जो भी एमटी देखी है ना वो सारी ब्लैक कलर में ज़्यादातर लोग मॉडिफाई कराते हैं, इस भैया ने ऐसा स्काई ब्लू होता है ना, एक ऐसा पता नहीं कैसा सा स्काई ब्लू, मतलब प्रॉपर स्काई ब्लू नहीं था, वो ग्रीनिश स्काई ब्लू टाइप का था। देखो जब सुबह वाला व्लॉग में शूट कर रहा था तब मैंने आपको बोला था कि मौसम एकदम क्लियर है, और अभी देखो मतलब पॉल्यूशन हो गया ना, मतलब कितने सारे लोग आ गए होंगे, मतलब काम पे चले गए होंगे, मतलब सुबह उतने नहीं आते, और अभी देखो मतलब बादल भी इतना मतलब वो वाइट से हो गया, अजीब टाइप के रेड लाइट ग्रीन लाइट। चलो रुक जाते हैं आराम से, कितने सेकंड का है, 42 41, ओहो टाइम लगेगा। इसलिए ये देखो इसमें ये वाला फीचर अच्छा है, फिर पहले की तरह चाबी नहीं ऑफ करनी, होगी गाड़ी बंद, पेट्रोल की बचत। और देखो कई सारे लोग अभी मुझे पूछते हैं कि आपने होंडा डियो क्यों ली, क्या रीज़न वगैरह, तो मैंने बहुत सारे वैसे बता रखे प्रीवियस व्लॉग में, और मैंने आज तक यहाँ पे होंडा डियो को कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि मुझे ये इसमें ये वाली प्रॉब्लम लगती है फिर ये प्रॉब्लम, बट मुझे इसमें एक बहुत मेजर प्रॉब्लम लगती है, और अगर आपको वो हमेशा का काम है, मैं अभी आपको बताऊंगा, अगर आपको हमेशा का वो वाला काम होता है तो मेरे हिसाब से ये होंडा डियो मत लेना। अरे भाई यार ये हॉर्न भी नहीं मारते, कैसे से इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी चलाते हैं और गली से निकल रहे हॉर्न मारने, पता नहीं क्या जाता है इनका। तो देखो अगर आपका ना सामान वामान लाने का काम है ज्यादा, है ना, या फिर आपको हमेशा सामान का काम रहता है या डिलीवरी का काम रहता है, तो स्कूटी में हर कोई यहाँ पे आगे अपना बैग रखता है, तो इसमें तो क्या दिक्कत है। इसमें होंडा डियो में ये बहुत बड़ी दिक्कत है यहाँ पे कि इसकी जो बैटरी है वो यहाँ पे इसके फुटपैड पे लगाई है, वरना पहले आगे पे थी। ये कहाँ चल रहे हैं आंटी, तो जो इसकी बैटरी है ना वो यहाँ नीचे फुटपैड पे लगाई है, और अगर आप यहाँ पे डिलीवरी का कुछ भी सामान रखोगे 15 kg से 20 kg से लेकर, तो आपको ना बहुत ज्यादा दिक्कत होगी थ्रॉटल देने में, मतलब बहुत दिक्कत होती है थ्रॉटल देने में, क्योंकि ना इसकी बैटरी पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है। जब मैंने पहले मुझे रियलाइज हुआ था तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने एक दिन रखा था आटे का कट्टा रखा था 10-15 kg का, तो मैं यहाँ पे थ्रॉटल इतना दे रहा तो वो ना बहुत ही उस पर एफर्ट लगा रहा, बहुत जोर लगाना पड़ रहा था। पहले दिन मुझे समझ नहीं आया, फिर दूसरे दिन भी एक सीमेंट का कट्टा वगैरह था तो मैंने वो रखा, वो तो 20 kg का था, और मैं उसको मतलब ऐसे थ्रॉटल दे रहा और बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ रहा। फिर उस दिन मुझे रियलाइज हुआ था कि यहाँ पे इसकी बैटरी है तो ये काफी यहाँ पे दिक्कत करेगी जो यहाँ पे सामान वामान लाते हैं। अब देखो वैसे नॉर्मल सामान तो हर कोई लाता है, जैसे कभी मैं भी लाता हूँ, कभी मंडी से सामान ला देता हूँ, या फिर कभी बैग रखता हूँ कॉलेज का, या फिर कुछ भी सामान, तो 4-5 kg तक का तो चल जाएगा। बट अगर ज्यादा भारी सामान होता है आपका 10 kg का या फिर 15 kg का या उससे ज्यादा kg का, तो ये आपको काफी दिक्कत कर सकता है। ये देखो सब लोग कैसे भाग रहे, 5 4 3 2 1। जैगुआर, ओ भाई सब कितनी तगड़ी लग रही हो भाई। तो देखो भाई बस यही बात थी यहाँ पे होंडा डियो की, मुझे जो थोड़ा खटकती है यहाँ पे कि यार अगर ये बैटरी पहले की तरह यहाँ पे इसके मड यहाँ पे होती इसके बोनट पे तो क्या जाता। वो देखो उस भैया का जो एंटोर है उनपे, तो उनका नया हेलमेट आ गया है वेगा बोल्ट का ही, उसके ग्राफिक्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, उन्होंने भी स्मोकी वाइजर ही पहना, अच्छा लग रहा वाला हेलमेट भी, और ये तो गाड़ी के साथ सूट भी कर रहा है क्योंकि गाड़ी भी उनकी रेड एंड ब्लैक, हेलमेट भी रेड एंड ब्लैक। आए है जब ये दिन में हवा चलती है ना एकदम ठंडी, इतना मजा आता है जब 1-1.5 बजे में, आए है क्या ही मजा आ रहा है। देखो अभी इतनी प्यारी हवा चल रही है ना, ठंडी बिल्कुल, हाय हाय हाय। और अगर इस दिन में मुझे यहाँ पे गोला खाने को मिल गया ना तो तब तो 4 चांद लग जाएंगे यार। अगर मुझे गोला नहीं मिला ना तो मैं कुल्फी खा के पक्का जाऊंगा यार, पर मुझे ना गोले वाला नहीं मिला सच में यार, गोले वाला मिला ही नहीं आज। वो मिल गया, ओ भाई साहब, ओ माय गॉड गाइस,
गोल वाला। कल एक बनाना, ये देखो। आए हाय हाय, रुको अब मैं खा के मिलता हूँ आपसे। देखो भाई, गोला तो मैंने खा दिया है, अब मुझे दिक्कत बस ये लग रही है कि मुझे ना जुकाम ना लग जाए। काला खट्टा ऑरेंज फ्लेवर, आए हाय हाय। ओहो, अब मेरे कलेजे में थोड़ा सा ठंडक पड़ी और बदन में भी। हाय, कमेंट करके जरूर बताना गोला किस किस को पसंद है भाई। और मुझे ना ऐसा लग रहा है अभी कि मेरे पीछे वाले टायर में हवा बहुत कम है, क्योंकि बैठा बैठा टाइप का लग रहा है टायर। मैं तो भूल गया यार, आज जबकि मैंने फ्यूल अप भी करवाया था और हवा भराना भूल गया मैं। याद नहीं रहती, वरना मैं हमेशा यहाँ पे, मैंने जैसे आपको बताया था गाड़ी मेंटेन करके रखता हूँ, तो मेरी गाड़ी की मेंटेनेंस में ये भी आती है कि मैं अपनी जो हवा रहती है, मतलब अपनी हवा नहीं, मतलब गाड़ी के जो टायर की हवा रहती है, उसे मतलब टाइम टू टाइम भराता रहता हूँ। मतलब ऐसा हमेशा भी नहीं भरानी चाहिए, वो तो आपको पता ही होगा। मतलब ऐसा दो हफ्तों में एक बार तो भराता ही हूँ मैं, और कभी कभी हफ्ते में ही भरा देता हूँ। बट ऐसा इतना एक महीने तक का गैप नहीं रखता, क्योंकि उससे टायर भी ख़राब हो जाता है और जो टायर का ड्यूरेशन रहती है वो भी कम हो जाती है। रेपसोल एडिशन, ये ग्राजी है ना? हाँ, ये ग्राजी है। ग्राजिया और होंडा डियो दोनों में ये रेपसोल एडिशन आता है। नहीं, होंडा के यहाँ पे बाइक्स में भी आता है रेपसोल एडिशन। हाँ, ये देखो होली खेल के जा रहे बच्चे, वाह। स्कूल के बच्चों के भी मजे यार। वैसे हमारे कॉलेज में भी थी परसों होली, बट मैं नहीं गया वहाँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था कर रहा है ऐसी, तो मैं नहीं गया कॉलेज में। अभी मुझे चाहिए एक गाय पालने के लिए, नहीं मेरे पे रोटी है तो मुझे। देखो आगे पीछे तो देखो ही मत, अभी गाय कहाँ मिलेगी। पहले मुझे गोला चाहिए था, गोला तो मिल गया, अब मुझे गाय चाहिए। होप की गाय भी मिल जाए। हे गाइस, चैनल टू माय वेलकम। हे चैनल गाइस टू माय वेलकम। हे वेलकम चैनल टू माय गाइस। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक ऐसी वाली मीम मिनी थी। अबे इस रोड पे तो गाय नहीं है यार, ये तो गलत सीन हो गया यार। वरना ना यहाँ पे हमेशा ही गाय रहती रहती है। क्या करूँ मैं, अभी रोटी कहाँ ले जाऊँ। तो ओके गाइस, तो अगर आपका यहाँ पे काम रहता है ये सामान रखने वाला यहाँ फुटपाथ पे, तो मैं तो आपको नहीं रेकमेंड करूँगा, क्योंकि भाई मैंने झेल रखा है ना, जब भी मैं सामान वगैरह रखता हूँ तो ये बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है इसमें, तो इसलिए मत लेना इसे। अगर आपका देखो सामान का काम है मेनली, अगर सामान का काम नहीं है, अगर इतना ज़्यादा भारी सामान आपके डे टू डे लाइफ में आप नहीं ले जाते हो इधर उधर, तो या आप तो आँख बंद करके चल ले लो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी है यहाँ पे डीओ के बारे में, तो आप ले सकते हो। ओके गाइस, आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज इधर लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट विल योर फेवरेट पार्ट और एनी क्वेरीज वगैरह। सो तब तक के लिए बाय पुची।